हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ BMW X5 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस कार में जो प्रॉब्लम है वो है इसमें एयर सस्पेंशन की। तो अभी मैं इस कार को डायग्नोज कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस पर पीछे का जो बॉडी है पूरा अंदर हो चुका है, ओके। तो अभी इसका जो रियर सस्पेंशन है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो अभी मैं इसको डायग्नोज कर रहा हूँ। इस पर जो भी इसके एयर पाइप है, एयर कंप्रेशर है, तो स्टार्ट करते हैं इसको चेक करने के लिए। तो ये कार थी BMW X5। तो फ्रेंड्स, अभी हम कार के नीचे आ चुके हैं। तो ये है इसका प्रोटेक्ट कवर। तो अभी हमें ये पूरा सील्ड है इस जगह पर, यहाँ पर लोकेशन होती है इसकी एयर कंप्रेशर की। तो अभी हम इसके सील्ड को खोल करके इसका जो एयर कंप्रेशर पाइप है, उसके सॉकेट है, उसके जितने भी लिंकेज हैं सभी वो चेक करने वाले हैं। तो कंटिन्यू अभी हम ये सारे बोल्ट्स खोल के इसके 10 mm के स्पैनर से पूरा सील्ड निकाल करके अभी हम इसका पाइप चेक करेंगे, कंप्रेसर चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। ये आ रहा है BMW X5। तो ये इस तरीके से कुछ स्क्रू भी है इसमें, तो ये स्क्रू भी हमें खोलने हैं। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, इस कार में जो आगे सस्पेंशन है वो आप देख सकते हैं, इसमें नॉर्मल जो शॉकर होता है उस टाइप का है, लेकिन जो इसका पीछे का रियर सस्पेंशन है वो इसमें एयर सस्पेंशन है। तो एयर सस्पेंशन जो होता है उसमें कोई स्प्रिंग नहीं होती, इसमें एक एयर स्प्रिंग से ये कार ऊपर पुश होता है, ओके। तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है इस कार में। तो यह है इसका लेवल सेंसर, ओके, और यह है इसका एयर सस्पेंशन स्प्रिंग, ओके। तो ये हमें इसमें जो लाइन है ये आप देख सकते हैं, रेड कलर का जो वायर है, ये एक पाइप है इसका एयर का। तो ये हमें ट्रेस करना होता है, ये कहीं से लीकेज तो नहीं है ये पाइप। और इसी तरीके से मैं इस साइड भी जो उसका एयर सस्पेंशन है जैसे है उसको भी चेक करने वाला हूँ, उसका जो भी पाइप कनेक्शन है सभी चेक करूँगा, ओके फ्रेंड्स। तो उस कार में प्रॉब्लम है एयर सस्पेंशन की। पीछे से जो कार है ये ऊपर काफ़ी नीचे दब गई है, डाउन हो चुकी है, उसकी हाइट है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है, ओके। तो उसका जो एयर सस्पेंशन है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं इसको डायग्नोस कर रहा हूँ। तो जनरली फ्रेंड्स, इन कार में जो प्रॉब्लम आती है वो पाइप की आती है, जो इसके पाइप होते हैं एयर सस्पेंशन के। और एक सेकेंड इसमें प्रॉब्लम आती है वो इसमें मोटर में एक शाफ्ट होती है उसकी, ओके। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं, खोलने के बाद पूरा इसको चेक करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो मैं पूरा सीट खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो अभी इसमें कुछ बोल्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अभी सारे बोल्ट खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो भी प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, अभी जो इसका सील्ड है ये मैंने खोल दिया, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसमें फिटिंग है इसका एयर कंप्रेशर, जो कि एयर सस्पेंशन का कंप्रेशर है। और ये आप देख सकते हैं इसमें ये राइट साइड का, सॉरी लेफ्ट साइड का पाइप है, और ये इसमें राइट साइड का पाइप है। तो ये रेड वाला जो पाइप है ये इसमें राइट साइड ज़्यादा है, और ये वाला जो पाइप है ये इसमें लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड ज़्यादा है, ये लेफ्ट साइड ज़्यादा है। तो अभी हम इसकी पूरी लाइन को ट्रेस करेंगे, तो ये कहाँ से लीकेज है। और ये है इसका एयर कंप्रेशर जो कि एयर बनाता है, तो ये पूरा यहाँ से इसका इंटेक पोजिशन है जो कि सीधे ऊपर मैनिफोल्ड पे जाता है, और ये सीधा यहाँ से इस तरीके से पूरा वायरिंग का कनेक्शन है, और ये सीधा दोनों पीछे टायर पे गया है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें खोलना होगा ये पाइप 10 नंबर के स्पैनर से, ओके। तो मैं ये सॉकेट हटा करके अभी ये पाइप लूज करने वाला हूँ, और यहाँ से चेक करने वाला हूँ ये एयर यहाँ पर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको खोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पूरा पाइपलाइन चेक करने के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ये इसका पीछे का सीट है ये भी मुझे खोलना होगा, ओके। तो मैं ये पूरा सीट इसको खोलता हूँ, इसको खोल करके पूरा टेस्ट करूँगा। तो मैंने आपको उसका एयर सस्पेंशन का जो लोकेशन है मोटर का वो दिखा दिया है, ये इसका पंप है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका BMW का मार्की ले आया हुआ है, ओके। तो इसकी लोकेशन है, ये यहाँ पर फिटिंग होता है। तो चेक करते हैं इसको। अभी मैंने इस कार का ये पाइप था ब्लू वाला, वो पाइप खोल दिया है। तो अभी हम इसको एयर को चेक करेंगे स्कैनर से, इसमें एयर आ रहा है नहीं आ रहा। तो अभी मैं तो आप देख सकते हैं कंप्रेसर ऑन हो चुका है,
इसका जो एयर कंप्रेसर है वो एयर नहीं बना रहा है, मोटर तो चालू है लेकिन इसका जो एयर कंप्रेसर, ये पिस्टन जिस पे होता है, पिस्टन जो एयर बनाता है वो पंप काम नहीं कर रहा है। अभी हमें इस कंडीशन में इसको रिप्लेस करना होगा, तो मैं इसको बोलता हूँ उसको रिप्लेस करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी इस कार का जो एयर सस्पेंशन का जो मोटर था वो हमने बाहर खोल दिया है, और ये इसका ये इसका प्राइमरी मोटर है। ओके, तो ये है इसका मोटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें वायरिंग का कौन फंसा हुआ है, तो इसमें जो प्रॉब्लम निकली है इसकी वायरिंग टूट गई है, तो इसकी वायरिंग की गोली है और ये इसका वायरिंग का कौन है, और ये इसका एयर सस्पेंशन का बाल है। तो ये जो पंप होने से इसमें प्रेशर बनता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायरिंग इस जगह पर यहाँ पर फिटिंग होता है, तो इसका जो वायरिंग था वो टूट चुका है, इसकी वजह से इसका एयर सस्पेंशन काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अगर मेरे को इसका वायरिंग मिलेगा तो मैं इसमें वायरिंग फिट करूँगा, नहीं तो फ्रेंड्स मैं इसमें जो एयर सस्पेंशन पूरा कम्प्लीटली ये मोटर है इसको पूरा रिप्लेस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो बैरिंग था टूटा हुआ, ये आपने देखा था, मैंने आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो इसका टूटा हुआ बैरिंग है, इसको अभी मैंने प्रेस मशीन से निकाला हुआ है, इसका कौन था जो कि यहाँ साफ्ट पे फिक्स था, तो ये इसका न्यू बैरिंग है, इसको अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसको प्रेस से। ओके, तो ये इसका आर्मेचर मोटर है, अभी हम इसको फिटिंग करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको फिटिंग के लिए। तो ये इसका रोटर का साफ्ट है, तो इस बैरिंग को हम एक पार्ट इसमें फिट करेंगे, बाकी का फिर इसको इस तरीके से इसमें फिटिंग करना होता है, तो ये हमें प्रेस मशीन से फिट करना है, तो अभी हम करते हैं इसको फिटिंग। इसमें हम कोई हैमर की मदद नहीं लेते, हैमर से फ्रेंड्स जो इसका आर्मी चल रहा है ये खराब होने का, इसमें फिटर होता है। ओके, ये होता है इसका प्रेस मशीन, तो इस पर ये हम सबसे पहले फर्स्ट इस बैरिंग को हम इस पर फिटिंग करने वाले हैं। ओके, इसके बाद फिटिंग करेंगे इस आर्मीचर में, तो ये इस तरीके से हम इसको पंप करके ये देखिए प्रेस से इसमें फिक्स करना होता है, तो ये आपको चारों तरफ इसका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर देखना होगा, ये कहीं टेढ़ा तो नहीं है, तो ये इसका पूरा बैठा देते हैं हम इसको। तो देखिए फ्रेंड्स कम्प्लीटली बैरिंग जो था वो उसमें बैठ चुका है, तो अभी हम इसको फिटिंग करेंगे इस आर्मेचर पर। तो फ्रेंड्स कम्प्लीटली ये बैरिंग इसमें फिटिंग हो चुका है, तो ये हमको इस पोजीशन में नहीं लेना होता है, ये हमें इस पोजीशन पर लेना होता है। ओके, तो अभी हम इस पोजीशन पर लेकर के इसको फिटिंग करते हैं, तो ये हमें इस पोजीशन पर लेकर के इसमें बड़े ही केयरफुल तरीके से फिटिंग करना है, क्योंकि जरा भी अगर अलाइनमेंट टेढ़ा होगा तो ये फिक्स नहीं बैठ पाएगा। ओके, तो इसमें बैरिंग टूटने का और जो एल्युमिनियम का ये पार्ट है तो ये भी इसमें टूटने का डर रहता है, तो ये आपको बड़ी केयरफुल तरीके से फिटिंग करना होता है। तो इस तरीके से फिटिंग हो चुका है, देखिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये फिटिंग हो चुका है, तो ये आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा इसमें गैप है हल्का सा, ये पूरा प्रॉपर जो गैप है इसका पूरा खत्म होना चाहिए, तो अभी मैं थोड़ा सा बैरिंग को और बैठा लूंगा। ओके, तो इस तरीके से बैठा लूंगा। तो फ्रेंड्स कम्प्लीटली इसका जो वायरिंग था ये आप देख सकते हैं, ये मैं इसको पूरा प्रॉपरली इसको प्रेस से ला करके फिक्स करवा दिया है। ओके, तो अभी मैं वापस से इस एयर सस्पेंशन की पंप है इसको कम्प्लीट करूंगा, और कम्प्लीट करने के बाद इसको फिटिंग करूंगा, और फिटिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये पंप काम कर रहा है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसको फिटिंग के लिए तैयार रखते हैं। तो फिर टोटल ये तीन बैरिंग है, एक और एक यहाँ पर इसमें दो और एक इसमें दो। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्रैंक शाफ्ट की तरह फायरिंग की तरह काम करता है जिस तरीके से, तो ये कंप्रेसर को पंप करने के लिए होता है ये वाला बैरिंग, तो उसको फिटिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, इसकी जो वायरिंग थी इसको कम्प्लीटली फिटिंग कराने के बाद, तो अभी हम इसको क्लीन करके ये पेट्रोल से इसकी बॉडी है एयर कंप्रेसर की, तो इस पूरे कंप्रेसर को क्लीन करके तो अभी मैं इसको फिटिंग करूंगा, तो अब कुछ पार्ट इसका ये है वो है, तो टोटल पार्ट्स अभी हम इसका फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करके फिर हम आपको दिखाएंगे ये पूरा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो उसको अभी क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद इसको हम फिटिंग करेंगे अभी, तो अभी ये क्लीनिंग है, क्लीनिंग करने के बाद फिटिंग करते हैं। तो ये कार थी फ्रेंड्स BMW X5। ओके, फ्रेंड्स अब मैं इसको फिटिंग करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने सारे पार्ट्स क्लीन कर लिया है। ओके, तो ये इसका जिसमें बैरिंग मैंने फिटिंग किया था ये वो पार्ट है, ये इसका स्प्रिंग और पार्ट, ये इसका एयर कंप्रेसर बॉडी है। ओके, तो यहाँ पर इसमें मैं पिस्टन फिट करूंगा, बाकी का ये पार्ट्स है इसका, और ये है इसका फिल्टर जो कि पानी और एयर दोनों को क्लीन करता है, जो कि फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता है, जो एयर कंप्रेसर होते हैं या बेसिकली आप अपने कंप्रेसर ले लीजिए जो एयर जिससे हम हवा बनाते हैं, जनरली टायरों में हवा डलती है, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, उस कंप्रेसर में भी पानी बनता है, तो उस पानी को हम बार बार क्लीन करते हैं, तो इसमें भी उसी तरीके से हवा जो बनती है, तो उस हवा को क्लीन करने के लिए
ये इसमें फिल्टर लगा के दिया हुआ है कंपनी ने, तो ये आप देख सकते हैं, ये इस पर एक इसका कैप है और इसमें अंदर कुछ छोटे छोटे बॉल्स हैं। तो ये जो बॉल्स हैं फ्रेंड्स, ये इस पानी को क्लीन फिल्टर करने के लिए है, और ये जो पेपर है ये है एयर को फिल्टर करने के लिए, एयर को क्लीन करने के लिए। ओके, तो अभी ये इसका फिल्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो सेक्शन है वो आप देख सकते हैं, वो ऐसे यहाँ से इसका सेक्शन है, और इसका जो एग्जस्ट है वो यहाँ से है नीचे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो उसका जो एग्जस्ट है वो इस जगह से है, और बाकी सेक्शन है वो इस जगह से है। ओके, तो ये इसका फिल्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी का ये इसका मैग्नेटिक, इसका मोटर का ऊपर मैं इसको फिटिंग करूँगा, ये पूरा कंप्लीट मोटर का पार्ट है। तो अभी फिटिंग करता हूँ मैं इसको। ओके, जिस तरीके से मैंने इसको खोला था, तो वापस मैंने इसको क्लीन करके उसी तरीके से मैं फिटिंग करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इसके एयर कंप्रेशर की बॉडी, तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसको फिटिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, इसका जो बैरिंग था, अभी जो मैंने इसका एयर सस्पेंशन का भी पंप खोला हुआ था, तो यह है इसका एयर सस्पेंशन का पंप। तो मैंने अभी इसको रिपेयर कर दिया पूरा क्लीन करके, उसमें बैरिंग फिटिंग करवा करके। ओके, तो अभी मैं इसको पूरा फिटिंग करता हूँ। यहाँ पर ये इस पर पंप फिट रहा है, ये इसकी लोकेशन होती है। तो यहाँ एक स्टेट इस पर माउंट होता है, और दो स्टेट इसके ये है, तो यहाँ पर ये माउंटेड होता है। ओके, तो अभी हम इसको पूरा कम्प्लीटली फिटिंग कर रहे हैं, और फिटिंग करके ये इसका लेफ्ट साइड का पाइप है एयर सस्पेंशन, और ये इसका राइट साइड का पाइप है। तो कंप्लीट पूरा फिटिंग करेंगे इसको, और ये इसका वायरिंग का सॉकेट है। ओके, तो इसमें सिग्नल सॉकेट और ये 12 वोल्ट सीधा पावर सप्लाई के सॉकेट है, और ये इसका ECM से कनेक्टेड होता है, जो कि लेवल सेंसर से सॉकेट होता है, उसका सिग्नल लेता है, और ये ECM से जो इसमें कितना एयर है उस प्रेशर को जनरेट करने का पूरा सिग्नल देता है। तो अब इसको पूरा फिटिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो ये था इसका एयर सस्पेंशन पंप, तो स्टार्टिंग करते हैं इसको फिटिंग के लिए। ये फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर 10 mm के ये बोल्ट होते हैं, तो ये बोल्ट हमें पूरे कंप्लीट होने थे। ओके, तो हम इन सारे बोल्टों को कंप्लीट करके इसको फिटिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से, ये आपने देखा मैंने दो बोल्ट इसमें इस साइड लगाए हुए हैं, और ये है इसका इंटेक एयर पाइप, जो कि कंप्रेसर यहाँ से एयर लेगा। ओके, और ये यहाँ पर इसके आउटलेट पाइप होते हैं, जो कि सीधे एयर सस्पेंशन स्प्रिंग पे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने दोनों बोल्ट इसके यहाँ पर फिटिंग कर दिए हैं। तो अभी हम इस पर तीसरा नट्स है स्टेट, इसको यहाँ पर लगा करके पूरा कंप्लीट टाइट करेंगे, और ये हम इस पर पाइप्स फिटिंग कर रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें पाइप फिटिंग करने हैं इसके। तो फ्रेंड्स, ये पाइप आपको काफी केयरफुल तरीके से लगाने हैं, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया तो उसका जो थ्रेड है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से लगाना होगा। तो ये जो पाइप्स है, ये पूरा पाइप्स फ्रेंड्स मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया था, ये पाइप्स पूरा इसका पीछे तक जाता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, तो ओनली इसमें पीछे रियर सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन जो है इसमें रियर वाला है, बाकी का फ्रंट तो इसमें मैनुअली सस्पेंशन है। तो ये कार है BMW की X5, जो कि काफ़ी अच्छा मॉडल है X5, और फ्रेंड्स ये होता है इसका स्पेशल टूल, जो कि इस टूल से जो भी जनरली जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, तो ये सारे काम से करती है टूल्स। तो ये बहुत ही अच्छी किट है, ये किट आप ले सकते हैं मार्केट से, बहुत ही अच्छी किट है ये। ओके फ्रेंड्स, उसको टाइट कर दें। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी इसके पाइप्स खोल दिए हैं,
वापस दोबारा। तो फर्स्ट अभी मैं पहले इसमें कनेक्टर लगा करके और स्कैनर से इसको पंप को चालू करके मैं इसमें देखूंगा ये अब इसमें जो एयर है वो जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बना रहा है एयर, कंप्रेसर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो पहले हम इसका ये कंप्रेसर टेस्ट करेंगे स्कैनर से। ओके, तो अभी हम इसका वायरिंग की जो सॉकेट है उसको पूरा कंप्लीट लगाते हैं। तो उसको लगाने के बाद फिर हम इसके स्कैनर से इसको ऑन करके चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चेक करते हैं फ्रेंड्स इसको। तो चेक करने के लिए मुझे कार को स्टार्ट करना होगा और स्टार्ट करके मुझे इस कार के जो कंप्रेसर है इसको स्कैनर से ऑन करना होगा। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, तो कंटिन्यू वीडियो को आप देखते रहिए। फ्रेंड्स, मैंने कार का इग्निशन ऑन किया हुआ है, तो अभी मैंने इसमें जो अंदर से इसका कनेक्टर होता है वो मैंने लगा दिया है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं चेक करने के लिए। तो ये हमें फ्री रियर स्प्रिंग रियर लेफ्ट, तो पहले जिसमें रियर लेफ्ट का जो होल है ये रेड वाला पाइप, तो इसका ही पंप है ये ऑन होगा। ओके, अभी मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये ऑन हो चुका है, अभी हमें इसमें एयर का पाइप चेक करना है, यहाँ पर एयर जनरेट हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये एयर से ये जो वायर था ये उड़ रहा था। ओके, तो इसमें जो एयर थी वो जनरेट हो रही है। तो अभी मैं आपको दूसरे वाले में चेक कराता हूँ। ये पूरा काम कर रहा है, तो अभी हम इसमें ये पाइप है इसको कंप्लीट पूरा फिट कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो एयर था वो पूरी तरीके से कंप्लीटली काम कर रहा है। तो अभी जो इसके पाइप है वो हम राइट वाला राइट में कम फिटिंग करेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको फिटिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 1 और 2 का साइड है, 1 2। ओके, तो 1 वाले में ये हम इसको रेड वाले पाइप को लगाएंगे और 2 वाले में ब्लू। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं इसको फिटिंग के लिए। तो पाइप फिटिंग करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा सिलिकॉन टेप होता है इसको टेप को लगा करके, क्योंकि कंपनी में भी इस टेप को यूज़ किया जाता है, तो इस टेप को फिटिंग लगा करके इस पर तब मैं इस पाइप को लगाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस पाइप को फिटिंग करने के लिए। कम्प्लीटली हमने जो इसके पाइप थे वो तो पूरे फिटिंग कर दिए। ओके, ये आप पाइप्स को देख सकते हैं, तो जिस तरीके से इसके पाइप इस पर फिटिंग थे उस तरीके से हमने वापस इसके पाइप फिटिंग कर दिए, बिल्कुल ओरिजिनल जिस तरीके से कार में फिटिंग आई थी। वापस उस तरीके से पूरी फिटिंग होने के बाद मैं जो इसका फोर्ड कोड है वो पूरा डिलीट कर दूंगा, तो वापस से जो इसका एयर सस्पेंशन था वो प्रॉपरली पूरा वर्क करने लगा है। ओके, तो अब मैं कार के नीचे से इसको जैक हटाने के बाद इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करके मैं आपको एक बार चेक कराऊंगा इसका जो पीछे से प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके, तो मैं टोटली वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड्स, मैं पीछे जाता हूँ अभी कार का जैक डाउन करके आपको दिखाता हूँ इसका सस्पेंशन किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने कार स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हैं तो कार स्टार्ट है। ओके, तो आप देख सकते हैं जो पहले मैंने वीडियो में आपको पीछे दिखाया था इसका जो ये जो टायर था पूरा बॉडी के अंडर था। ओके, तो अभी आप गैप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी गैप हो चुका है, उस एयर सस्पेंशन की स्प्रिंग है उसमें काफ़ी एयर जनरेट हो चुका है, तो जितना इसमें फील होना था उतना फील हो चुका है। यार कंप्लीटली कार में जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको दिखा दिया था, तो वो कार की प्रॉब्लम पूरी हो चुकी है दूर। तो फ्रेंड्स, ये कार थी BMW X5, तो मैंने इस कार की जो भी प्रॉब्लम थी वो एयर सस्पेंशन में थी, तो एयर सस्पेंशन मोटर जो थी वो मैंने इसकी रिपेयर कर दी है। ओके, फिर बात करना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका जो मैंने एयर सस्पेंशन मोटर जो था अभी खोला था इसका पूरा पंप वो मैंने रिपेयर कर दिया है। तो ये कार थी BMW X5। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कार का जो पीछे का मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है वो पूरा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है प्रेशर। ओके, और आप इस साइड भी देख सकते हैं प्रॉपरली दोनों साइड बराबर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी BMW X5, और अभी मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो अभी टेस्ट ड्राइव लेकर के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है।
तो ये थी BMW X5। ओके तो लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। फ्रेंड्स मैं कार के अंदर बैठ चुका हूँ, तो अभी मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए रेडी हूँ। तो ये है फ्रेंड्स इसकी स्मार्ट की, तो इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। ये इसका स्टार्ट स्टॉप इंजन बटन। तो अभी हम कार को स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कार इंजन स्टार्ट हो चुका है। ओके तो ये है इसका गियर सिलेक्टर लीवर। तो मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो डाला हुआ है BMW में हम किस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक गियर को किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए फर्स्ट हमें पहले ये अनलॉक बटन हमें प्रेस करना होता है। इसको प्रेस करके हम इसको डी पर लेते हैं, और अगर हमें रिवर्स लेना है तो ये न्यूट्रल, और ये इस तरीके से न्यूट्रल तो आ सकता है बिना अनलॉक बटन, लेकिन ये रिवर्स नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पुश बटन, अनलॉक बटन को पुश करके रिवर्स लेना है। ओके तो इसी कंडीशन पर फिर से आपको न्यूट्रल लेना है, तो ये आप बैक इसी तरीके से ले सकते हैं, और डी पर ये आपको दोबारा से बिना अनलॉक बटन दबाए जा सकता है, लेकिन आपको उस कंडीशन में पहले रिवर्स होना चाहिए। तो अभी मैं न्यूट्रल कर देता हूँ उसको, और ये मैंने डी पे किया। ओके तो ये इसका ऑटो हैंड ब्रेक है, और ये इसका पार्किंग ब्रेक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं पार्किंग ब्रेक ऑन है। अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ तो पार्किंग ब्रेक ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ। ओके और ये इसका ऑटो हैंड ब्रेक है, तो ये ऑटो हैंड ब्रेक ऑन है इसका, तो ये ऑटो ऑन, ऑटो ऑफ, ऑन ऑफ। ओके तो स्टार्ट करते हैं इसको ड्राइव के लिए। तो अब मैं इसको टेस्ट ड्राइव लेकर के चेक करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने जिस तरीके से आपको इसका एयर सस्पेंशन का काम बताया था, पूरा जो मैंने अभी इसका मोटर खोला था, तो उसमें बैरिंग की प्ले जो निकली थी मैंने आपको खोलने से पहले बता दिया था, इसमें जो नॉर्मल प्ले आती है उसकी साफ्ट की आती है, तो प्रॉब्लम इसमें वही निकली है। क्योंकि ज्यादातर केसेस पे या तो पाइप या इसकी जो साफ्ट है उसकी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपके सामने पूरा खोल करके उसका जो बैरिंग था उसको रिप्लेस कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स थैंक यू।